हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग फॉर अ ईसीयू अपडेट। आई विल ट्राई टू गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इन दिस वीडियो। सो बहुत लोगों को डाउट है कि ईसीयू अपडेट इज़ फॉर सिलेक्टेड व्हीकल्स और ऑल व्हीकल्स। सो लेट मी टेल यू दैट कार्स मैन्युफैक्चर्ड बिफोर नवंबर ऑल कार्स शुड हैव दिस अपडेट। सो माई कार इज फेब्रवरी मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल द सर्विस सेंटर गाइज वर डिनाइंग एनी अपडेट। So I contacted Tata Motors on Twitter regarding this, and then the service center guys called me and told yes, there is a update for your vehicle. So guys, if your service center is also denying any update, please contact Tata Motors. They will surely assist you in this. So guys, अभी बज रहे हैं 7:40. Most probably I will reach the service center by 10. It's actually 60 kilometers from here. So मैंने reset trip meter भी reset कर दिया है। सो वी विल ऑल्सो कैलकुलेट द माइलेज इन द हिल्स। तो चलिए चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर फॉर द अपडेट। आई विल अपडेट यू गाइस रिगार्डिंग दिस लेटर इन दिस वीडियो। वेरी गुड माइलेज। आई एम इन इको मोड एंड यूजिंग क्रूज कंट्रोल। तो देख सकते हैं आप आसपास 22 के आसपास माइलेज आ रही है। तो भाई ये देखिए अनबिलीवेबल माइलेज मिल रही है अराउंड 26.5। तो भाई एक तो ये टाटा वालों ने क्रूज कंट्रोल दिया है और इको बहुत बेस्ट फीचर है। ये देखिए 27 पहुँचने वाली माइलेज। और ये मैं पहाड़ों में ड्राइव कर रहा हूँ, प्लेन्स में तो आराम से 30 दे देगी ये गाड़ी। ये देखिए, तो गाइस देखिए मैंने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया और मेरे को 30 के अराउंड माइलेज मिल रही है। तो गाइज़ ये माइलेज सिर्फ आपका इको और क्रूज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके ड्राइविंग स्किल्स पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे कि हमको तो इतनी माइलेज नहीं मिल रही है। तो गाइज़ अगर आप अभी नए ड्राइवर हैं तो ये माइलेज तक पहुंचने के लिए अभी टाइम लगेगा आपको। जितना आप गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे, धीरे चलाएंगे, ओवर एक्सीलरेट नहीं करेंगे, तो माइलेज पक्का गाड़ी अच्छी देगी। तो गाइज़ मैं पहुँच गया हूँ टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में। तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन ईसीयू अपडेट वाइल दे आर फ्रेशिंग द अपडेट। अगर वो वीडियो अलाउ नहीं करेंगे, स्टिल आई विल आस्क देम इफ दे कैन अलाउ मी। तो चलिए चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर और जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ईसीयू अपडेट करा दिया है मैंने। आई एम सॉरी, वो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं दी अंदर, बट आई लेट यू नो कि क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं मुझे। आपकी गाड़ी का जो ईसीयू है, वो अगर आप इस डब्बे को निकालोगे तो यहीं पे ईसीयू है आपकी गाड़ी का, तो वो लैपटॉप को यहीं पे कनेक्ट करेंगे। एंड इट टुक मी अराउंड 15 मिनट्स ओनली टू फ्लैश द अपडेट। तो हुआ क्या कि मैं आज 9:30 बजे यहाँ पहुँच गया था, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू था यहाँ पर, तो अराउंड 1:30 का नेट चला यहाँ पर। तो 1:45 पे इन्होंने स्टार्ट किया फ्लैश करना और 2 बजे तक फ्लैश कम्प्लीट हो चुका था। तो चलिए गाइस, घर पहुंच के मैं थोड़ा आपको अपडेट देता हूं कि परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया है। सो गाइस, आई हैव रीच्ड बैक आफ्टर द अपडेशन एंड आई एम रियली हैप्पी। भाई अगर सही में अल्ट्रॉस की पावर देखनी है ना, तो गो फॉर दिस अपडेट। दिस AL04 अपडेट फॉर ECU इज़ अ बून फॉर अल्ट्रॉस। तो गाइस, जो जर्किंग का प्रॉब्लम था ना, कि अगर जैसे गाड़ी मान लो 20 की स्पीड में और आप 4th गियर में, तो आप अगर उस टाइम एक्सीलरेट कर रहे हो तो गाड़ी थोड़ा जर्क देती थी, वो सब जर्किंग खत्म हो गई है बिल्कुल ही। तो पहले जैसे हम 2000 RPM तक वेट करते थे कि पावर मिलेगी हमारे को 2000 RPM तक, लेकिन अब वो 2000 RPM तक वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे ही 1000 RPM पे भी अगर गाड़ी चल रही है, आपने एक्सीलरेटर दिया, तो गाड़ी वैसे ही भागने लग जाएगी। तो गाइस बहुत आई एम वेरी हैप्पी विद दिस अपडेट। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर दिस अपडेट इफ़ यू वॉन्ट द रियल परफॉर्मेंस ऑफ अल्ट्रॉस। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इश्यू से रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट में लिख देना, आई आंसर देम। और रही बात माइलेज की, तो अभी वापस पहुंचते पहुंचते 18 की माइलेज मिल रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह जाते वक्त तो 29 की थी और अभी आते हुए 18 की माइलेज कैसे है।
तो गाइस सुबह मैं तमीज से चल रहा था थोड़ा, लेकिन अभी वापसी में तो भगाने का जो मजा आ रहा था ना गाड़ी को, ऊपर से थोड़ा ट्रैफिक भी रहता ही है और ओवरटेक करने में भी बहुत मजा आ रहा था। तो गाइस ओवरटेकिंग अब मतलब स्टीप इंक्लाइन में भी मक्खन जैसे हो रही है, आपको गियर बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बहुत अच्छा अपडेट है ये, तो प्लीज़ गो फॉर दिस अपडेट। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।